हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों मैं अभी जमशेदपुर में हूँ, तो पापा के घर पे आई हुई हूँ। तो मैंने काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ आज एक ब्लॉग शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा बिजी थी तो ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साफ़ सफाई तो पहले करनी पड़ती है, क्योंकि पापा यहाँ पे अकेले रहते हैं। आप लोग जानते ही है कि मेरी मम्मी तो हमारे साथ नहीं रहती है, तो पापा यहाँ पे अकेले रहते हैं। तो घर तो आप जानते ही है कि एक जेंट्स रहने से और एक लेडीज़ रहने से दोनों में बहुत फ़र्क होता है घर को। तो वो तो पापा तो उतना अच्छे से नहीं साफ़ सफाई करके अच्छे से मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो उसके बाद मैं जब आई, तो मैं इतने दिनों के बाद आती हूँ, 3-4 महीने के बाद आती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ गंदा डस्ट धूल हुआ पड़ा रहता है। तो मुझे साफ़ सफाई करके उसको ठीक करने में काफ़ी दिन टाइम लग जाता है, जिस वजह से मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी। पर आज से कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ कंटिन्यू ब्लॉग शेयर करने का। और उसके बाद अभी मैं कुछ दिन यहाँ पे रहूँगी और अपने सारे दोस्तों से मिलूँगी, अपने कलीग से मिलूँगी, सारे दोस्तों से मिलूँगी, ऑफिस के फ्रेंड से मिलूँगी, सब से मिलूँगी और थोड़ी मस्ती करूँगी। और कहाँ कहाँ घूमने जाऊँगी मैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड मेरे ब्लॉग्स को आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और कितना ज़्यादा जाला हो गया है देख सकते हैं आप लोग। ये सारा चीज़ मुझे अभी साफ़ सफाई करना पड़ेगा। और अभी यहाँ तो हाथ नहीं पहुँचेगा, झाड़ू भी नहीं पहुँचेगा। एक लंबा वाला जो जाले झाड़ने के लिए आते हैं ना, वो सारा चीज़ लेना पड़ेगा। मैं कल सुबह खरीद के लाऊंगी, उसके बाद ये सारी साफ सफाई करूंगी। अभी फिलहाल फ्लोर का कर लेती हूँ। तो सारा साफ़ सफाई करने के बाद मैं कुछ दिन रहती हूँ यहाँ पे पापा के घर पे, और उसके बाद फिर मैं अपने ससुराल चले जाती हूँ। तो जब मैं वापस आती हूँ, मतलब मैं तो जल्दी आती नहीं हूँ, लगभग 5-6 महीने के बाद आती हूँ। तो जब मैं वापस उतने महीनों के बाद आती हूँ ना, तो फिर से सब गंदा बिखरा पड़ा रहता है। फिर से मुझे आकर के यहाँ पर साफ़ सफाई करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा मतलब काम बढ़ जाता है यहाँ पर आते ही। तो वैसे तो सब लड़कियों के जब वो मायके जाती है तो रेस्ट करती है, आराम करती है, लेकिन मुझे मायके में आके भी काम करना पड़ता है। अब क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ही कुछ ऐसे है मेरे साथ कि मतलब मायके आऊँ तो मुझे पहले अपना घर का संभालना पड़ता है, उसके बाद ही मैं थोड़ा घूम फिर पाती हूँ, दोस्तों से मिल पाती हूँ। पर एनीवेज कोई ना, मायके तो मायके होता है, पापा का घर जैसा भी हो पापा का ही घर होता है, और वहाँ से ज़्यादा सुकून मुझे नहीं लगता किसी भी लड़की को कहीं और महसूस होता होगा। तो सारी सफाई करने के बाद मैं थोड़ा सा निकलूंगी मार्केट में फ्रेश होकर के। तो अभी है ना कि यहाँ पे पापा कभी खाना घर पे बनाते हैं, कभी होटल में खाते हैं, तो फिर मैं तो अभी इतने दिनों के बाद पापा का किचन में मतलब यहाँ पे खाना बनाऊंगी। तो घर की कुछ सामान भी मुझे लानी है, जैसे राशन वगैरह, सब्जी वगैरह क्या है क्या नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो सारा चीज़ें अवेलेबल रहती नहीं है। तो फिर मैं मार्केट जा कर के सारा राशन वगैरह सब्जी वगैरह ला के उसके बाद खाना वाना बनाऊंगी, और उसके बाद फ्रेश हो करके उसके बाद फिर देखती हूँ, अगर आज समय मिल पाता है तो दोस्तों से मिलूंगी, या कहीं शाम को निकलूंगी घूमने के लिए, और वरना नहीं तो फिर कल या परसों कहीं जाऊँगी। और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है जमशेदपुर में, मतलब दिन में तो कहीं निकलने का सोच भी नहीं सकती, इतना ज़्यादा गर्मी है। और शाम को कहीं निकलने का सोचूँ तो देखती हूँ, कोशिश करती हूँ शाम को। तो दोस्तों सब काम ख़त्म हो गया है, तो अभी मैं
रेडी होकर के अपने फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ। तो मैं शादी के बाद पहली बार उसके घर पे जा रही हूँ, इसलिए मैंने साड़ी पहना है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं आता है, मैं पहली बार खुद से साड़ी पहनी हूँ। तो आई होप मैंने अच्छा पहना होगा। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय।